सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम आइस क्यूब्स को रिप्लेस करेंगे विद डिस्टिल्ड वाटर। बाकी एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वन चेंज दैट वी हैव टू मेक दैट वी हैव टू रिप्लेस दिस आइस क्यूब्स विद प्योर डिस्टिल्ड वाटर। नाउ वी विल इग्नाइट द बर्नर, हम बर्नर को इग्नाइट करेंगे, इससे एक फ्लेम प्रोड्यूस होगी, फ्लेम से हीट प्रोड्यूस होगी जो इस प्योर डिस्टिल्ड वाटर को मिलेगी। ऑन गेटिंग हीट द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विल इंक्रीज, जैसे जैसे हीट मिलेगी डिस्टिल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमें कैसे पता चलेगा, थर्मोमीटर की रीडिंग से हमें समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते 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 टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। अब ये ध्यान दीजिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है, मीन 0 डिग्री सेल्सियस 0 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, तो 100 कितने केल्विन के इक्वल होगा? 0 अगर 273.15 है तो 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी 373.15 केल्विन। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज कर सकते हैं? केल्विन में। इसके लिए आप एक ग्राउंड रूल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, सेल्सियस को केल्विन में, तो जितना भी सेल्सियस है उसमें 273.15 ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा केल्विन। अगर आपको रिवर्स प्रोसेस करना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे हो प्लस 273.15, और अगर रिवर्स करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप उसका रिवर्स करोगे यानी कि माइनस करना, तो जितना भी डिग्री सेल्सियस है सॉरी केल्विन है उसमें 273.15 सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। यानी अगर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन है तो जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें 273.15 केल्विन ऐड कर देना तो वो ओवरऑल केल्विन में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको केल्विन दे रखा है और डिग्री सेल्सियस में मतलब रिवर्स करना है तो केल्विन में से 273.15 माइनस कर दीजिए तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन चेंज डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। नाउ हीट प्रोवाइड करने पे प्योर डिस्टिल्ड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही वाटर बॉयल होने लगेगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। That is why 100 degree Celsius is considered as the boiling point of water. इसलिए इसे कहते हैं boiling point of water. It is the temperature at which liquid starts boiling to change into gas at the atmospheric pressure. तो boiling point वो temperature होता है जहां पे कोई liquid बॉयल होने लगता है और किसमें कन्वर्ट होने लगता है? गैस में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है, सिमिलरली वाटर भी एक लिक्विड है उसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन, जिसपे वो क्या होने लगेगा? बॉयल और गैस यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ जैसे आइस के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, उसी तरह वाटर के केस में भी लेटेंट हीट होगा बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, ठीक है, वाटर बॉइल होने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, और जब तक ये पूरा वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही सेम आंसर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे वो हीट डिस्टिल्ड वाटर के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे,
उनके अंदर छुपेगी ताकि ये अपने इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सके, इंटर पार्टिकुलर स्पेस को ज्यादा कर सके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सके और पार्टिकल जो लूजली पैक्ड है वो फार हो सके एक दूसरे से और वेपर में कन्वर्ट हो जाए. सो वॉट एवर हीट वी आर प्रोवाइडिंग एट दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू ओवरकम देयर इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and increase their interparticular space and kinetic energy so that they can convert into gaseous or vapor state. तो तब तक ये पूरा vaporize ना हो जाए, पूरे vapors में ना convert हो जाए, तब तक वो heat इनके अंदर ही छुपेगी. तो that is also known as hidden heat or latent heat of vaporization, जिसको हम define कर सकते हैं, it is the amount of heat required to change 1 kilogram of liquid into gas at its boiling point and at the atmospheric pressure. Okay, so this is all about melting point of ice and boiling point of water. Now, third experiment is sublimation, because in the very first experiment we saw the transformation of solid to liquid. In next experiment, we saw the transformation of liquid to gas, and now we will see the transformation of solid directly into gas or gas directly into solid, known as sublimation. हम इस tripod stand के ऊपर एक wire gauge या फिर mesh यानी कि जाली रखेंगे और उसके ऊपर हम एक चाइना डिश रखेंगे. चाइना डिश आप देख सकते हैं, चाइना डिश एक वेसल है जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में कॉमनली यूज किया जाता है. ठीक है, एक तरह का बर्तन जो कि चीनी मिट्टी से बना होता है. इन दिस चाइना डिश वी टेक अमोनियम क्लोराइड, हम इसमें अमोनियम क्लोराइड लेंगे. फॉर्मूला होता है NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस, मीन्स एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जिसको अगर आप हीट करते हो तो वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है बजाय कि लिक्विड के, और अगर आप कूल करोगे तो अमोनियम क्लोराइड की जो गैस है, वेपर्स है, वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगे बजाय के लिक्विड के. एंड वी ऑल नो दैट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड इंटू गैस और गैस इंटू सॉलिड नोन एज सब्लिमेशन. Now, फिर इस चाइना डिश के ऊपर हम एक इन्वर्टेड उल्टा फनल रखेंगे. आप देख सकते हैं, we will keep an inverted funnel over this china dish. और इस inverted funnel का जो stem है उसको हम seal या block कर देंगे, close कर देंगे with the help of cotton plug. Now, we will place a burner बिलो दिस ट्राइपॉड स्टैंड. इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम एक बर्नर रखेंगे. नाउ वी विल इग्नाइट दिस बर्नर. हम इस बर्नर को इग्नाइट करेंगे, स्टार्ट करेंगे. एज इट विल स्टार्ट इग्नाइटिंग, इट विल प्रोड्यूस फ्लेम एंड हीट. जैसे हम इसे इग्नाइट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. वो हीट मिलेगी चाइना डिश में प्रेजेंट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को, जो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है. जैसे इस सब्लिमेबल सब्सटेंस को, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, हीट मिलेगी, ये लिक्विड में चेंज होने के बजाय डायरेक्टली किस में चेंज होगा, गैस में. तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होगी, यानी इसके वेपर्स बनेंगे. अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं दे आर लाइट इन वेट, हल्के होते हैं. वैसे भी किसी के भी वेपर्स या गैस लाइट इन वेट होती है, हल्की होती है. सो दैट वेपर्स विच आर लाइट इन वेट राइज अप, ऊपर उठेंगे एंड दे ट्राई टू एस्केप आउट ऑफ दिस इन्वर्टेड फनल. इस इन्वर्टेड फनल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट इन्वर्टेड फनल को हमने सील, ब्लॉक या क्लोज कर रखा है विद कॉटन प्लग, तो वो वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो ऊपर जाकर यहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे.
यहाँ पर वेपर्स को कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ पर आने पर वो कूल ठंडे होने लगेंगे, और जैसे ये वेपर्स कूल होने लगेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा वेपर्स का, गैस का, तो ये लिक्विड की बजाय डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, और वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इन्वर्टेड फनल की स्टेम की इनर वॉल पे डेपोजिट हो जाएगा। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट वी सॉ टू काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, टू काइंड ऑफ कन्वर्जन। फर्स्ट, यहाँ पे जहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीटिंग हो रही है, वहां पे सॉलिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, नोन एज सब्लिमेशन। यहाँ पे जहां टेम्परेचर कंपैरेटिवली लोअर है, डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग हो रही है, यहाँ पे गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। तो इस तरह से सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन, लेकिन इस सब्लिमेशन को स्पेसिफिकली डेपोजिशन भी हम कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन।